डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे एसएससी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है दर्शन एवं उसके प्रवर्तक के बारे में। ये भी एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, और पूछा भी गया है दोस्तों कि कौन से दर्शन के प्रवर्तक कौन कौन है। ठीक है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें। और बगल में आइकन का निशान होगा दोस्तों, बेल आइकन का निशान होगा, उसे आप प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे दोस्तों। और हमारे चैनल पर आपको मैथ का भी मिलता है सेट दोस्तों, मैथ का भी, बायोलॉजी स्टार्ट हुआ है दोस्तों, इधर जीके पोर्शन का भी, जीके जीएस पोर्शन का, फिर इंग्लिश पोर्शन भी होता है दोस्तों, एंटो साइनो OWS, ये सब का भी आपको सेट मिलने को देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पर। तो बढ़ते हैं दोस्तों, दर्शन एवं उसके प्रवर्तक के बारे में क्या है ट्रिक के माध्यम से, यूनिट ट्रिक्स के माध्यम से इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक तरफ दर्शन है तो दूसरा तरफ प्रवर्तक है, क्या है देखिए, अब ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक सेकेंड, देखिए पहला क्या है योग, तो योग का क्या हो जाएगा पतंजलि। ठीक है, योग दर्शन का कौन है पतंजलि है। तो इसे याद रखने के लिए हम कैसे कोरिलेट करेंगे दोस्तों कि योग दर्शन का पतंजलि हो जाएगा, तो देखिए आपने बाबा रामदेव का नाम सुना होगा ना, तो बाबा रामदेव क्या करते हैं योग करते हैं ना, क्या करते हैं तो योग करते हैं, और उनका एक पतंजलि का प्रोडक्ट भी आता है, पतंजलि का क्या आता है प्रोडक्ट भी आता है, तो उस तरीका से आप कोरिलेट कर सकते। नेक्स्ट आगे बढ़िए, आगे क्या है, आगे है दोस्तों सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन का कौन हो जाएंगे कपिल मुनि। ठीक है, सांख्य दर्शन का कपिल मुनि। ठीक है, तो आप ऐसे इसे कैसे कोरिलेट करिएगा, तो देखिए सांख्य में क्या आया, संख्या एक वर्ड आया है, संख्या क्या आया दोस्तों संख्या। ठीक है, संख्या एक वर्ड आया दोस्तों संख्या, तो ध्यान दीजिए संख्या वर्ड है दोस्तों, और इधर क्या है कपि एक वर्ड है। ठीक है, तो कपि मीन्स क्या होता है मंकी बंदर होता है। ठीक है, तो कपि यानी कितना कपि, तो संख्या में होगा ना, एक दो तीन चार कुछ भी कपि की कुछ संख्या होगा, तो उस तरीका से आप कोरिलेट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, कि सांख्य दर्शन के कौन हो जाएंगे तो कपिल मुनि हो जाएंगे सांख्य दर्शन के। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए, आगे क्या है दोस्तों, बीच में कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिए आगे, आगे क्या है, आगे है न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन के कौन है तो गौतम है। देखिए अब इसे कैसे कोरिलेट करिएगा, ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का नाम आपने सुना होगा, तो वो क्या करने का काम करते थे, उपदेश देने का काम करते थे, तो एक तरीका से समझ सकते हो कि न्याय करने का भी काम करते हैं। ठीक है, मतलब हर चीज़ के बारे में पॉजिटिव चीज़ बताते थे कि क्या चीज़ करना चाहिए क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उस तरीका से यहाँ पर आप कोरिलेट कर सकते हो कि न्याय दर्शन के क्या हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, तो गौतम। ठीक है, गौतम बुद्ध, हकीकत में गौतम बुद्ध नहीं है दोस्तों, ठीक है, गौतम मुनि है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे देखिए आगे क्या है पूर्व मीमांसा, तो पूर्व मीमांसा के कौन हो जाएंगे जैमिनी, पूर्व मीमांसा के जैमिनी। तो इसे याद रखने के लिए देखिए मीमांसा में देखिए मीमांसा, इधर जैमिनी मिनी, ठीक है, दोनों वर्ड एक दूसरा से कोरिलेट है दोस्तों, पूर्व मीमांसा मीमांसा, इधर जैमिनी। ठीक है, तो आराम से आप कोरिलेट कर सकते हो इसे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है उत्तर मीमांसा, तो उत्तर मीमांसा का क्या हो जाएगा बादरायण, उत्तर मीमांसा का क्या हो जाएगा बादरायण। ठीक है, तो इसे कैसे याद रखिएगा आप, तो इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, एक ट्रिक याद रखिए आप, इसका ट्रिक याद रखने के लिए देखिए, एक ट्रिक है उत्तरवाद। ठीक है, इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, उत्तरवाद कौन वाद, तो उत्तरवाद। ठीक है, तो उत्तर से हो जाएगा उत्तर मीमांसा, और बाद से हो जाएगा बादरायण। ठीक है, तो उत्तर बाद आपको याद रखना है, तो आप आराम से कोरिलेट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, सिक्स नंबर पर आइए दोस्तों, वैशेषिक दर्शन, तो वैशेषिक दर्शन के कौन हो जाएंगे कनाद या उलूक। अब इसे कैसे याद रखिएगा, देखिए वैशेषिक में विशेष एक वर्ड आया होगा, वैशेषिक में क्या आया है, ठीक है, विशेष एक वर्ड आया है। ठीक है, विशेष एक वर्ड आया है, और कनाद में कान एक वर्ड आया होगा। ठीक है, तो हमारे शरीर का जो कान जो होता है वो विशेष अंग तो है ही। ठीक है, कान कैसा अंग है, तो विशेष अंग है, तो उस तरीका से आप कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखिए दोस्तों, आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या है, सिक्स नंबर तक हो गया था, सेवन नंबर का देखिए चवार्क है। ठीक है, चवार्क, तो चवार्क के दर्शन के कौन है चवार्क ही है, तो इसका तो ट्रिक बताने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, चवार्क का चवार्क ही हो जाएगा, चवार्क मुनि। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, आगे कुछ और भी है, आगे कुछ और भी मैंने सेट दिया हूँ।
ठीक है, आगे सीट को देखिए आगे क्या है। देखिए दोस्तों अब आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या है, आगे है देखिए दोस्तों कुछ सेट है दोस्तों, कुछ याद रखिएगा आपको। उपनिषद की कुल संख्या आपसे पूछेगा तो क्या बोलना है, 108। ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ दोस्तों, उपनिषद की कुल संख्या कितना है, 108। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए, आगे क्या है, महापुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, महापुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वेदांग की संख्या आप बता दो, तो 6 है वेदांगों की संख्या। ठीक है, वेदांग की संख्या कितना, 6, जैसे आप पढ़ते होगे, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है, ये सब क्या है, व्याकरण है। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, आगे क्या है, आगे है ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन नदियों के आधुनिक और प्राचीन नाम के बारे में पढ़ना है। ये भी अक्सर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, कि प्राचीन नाम पूछेगा नदियों का, उसका आधुनिक नाम बताने के लिए कहेगा। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हमें पढ़ना है। देखिए क्या है, मैंने इसी में आपको सेट कर दिया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ है प्राचीन नाम और दूसरी तरफ है आधुनिक नाम। तो क्या है, ध्यान दीजिए, देखिए ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। पहला क्या है, क्रूब है, तो क्रूब का क्या हो जाएगा, कुरम हो जाएगा, क्रूब का कुरम। ठीक है, तो क्रूब का कुरम, देखिए इसे कोरिलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, ये तो आपको दिख भी रहा होगा, क्रूब का कुरम, क्रूब का कुरम। ठीक है, तो इसका ट्रिक बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको दिख भी रहा होगा, क्रूब का कुरम। तो देखिए दोस्तों, क्रूब का कुरम हो गया। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है कुभा। ठीक है, तो कुभा का क्या हो जाएगा, काबुल हो जाएगा। तो इसका भी ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, कुभा आपको वर्ड्स को रिलेशन ही इसमें आपको दिख रहा होगा, कुभा काबुल। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, आगे क्या है, देखिए आगे है दोस्तों, कुभा हो गया बितस्ता, तो बितस्ता का क्या हो जाएगा, झेलम हो जाएगा, बितस्ता का झेलम। ठीक है, तो इसे कैसे याद रखिएगा, तो इसे याद रखने के लिए बितस्ता में बीत एक वर्ड आया होगा, ठीक है, बीत, और इधर झेलम में झेल, झेलना। ठीक है, तो बीत मतलब क्या होता, आपने वित्त मंत्री का नाम सुना हो, तो वित्त मतलब पैसा। ठीक है, झेलना, तो मान लेते हैं कि किसी के पास वित्त नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा, उस स्थिति को झेलेगा। ठीक है, तो वित्तस्ता आपको याद रखना है कि वित्तस्ता का क्या हो जाएगा, झेलम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से आप कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे है दोस्तों आस्किनी, आस्किनी चिनाब, आस्किनी का क्या हो जाएगा, चिनाब। तो आस्किनी का याद रखिएगा, चिनाब। इसका मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाया, अगर आपसे बनता है तो बना लीजिएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं कि आस्किनी का क्या हो जाएगा, चिनाब। ठीक है, तो आपको याद रखना आस्किनी यानी चिनाब। नेक्स्ट आगे क्या है, परुसनी, तो परुसनी रावी, परुसनी का क्या हो जाएगा, रावी। अब इसे कैसे याद रखिएगा, देखिए दोस्तों, परुसनी में पुरुष एक वर्ड आया होगा, पुरुष। ठीक है, और इधर रवि एक वर्ड आया होगा, तो रवि क्या है, पुरुष का ही नाम ना है, रवि किसका नाम है, पुरुष का नाम है। तो बस आराम से आपको रिलेट कर सकते हो कि परुषनी यानी रवि। ठीक है, तो पुरुष कौन है, तो रवि पुरुष है। ठीक है, तो उस तरीका से आप कोरिलेट कर सकते हो इसे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसे ट्रिक के माध्यम से आप कोरिलेट करिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए, आगे क्या है, आगे शतुद्री, तो शतुद्री यानी सतलज, शतुद्री का क्या हो जाएगा, सतलज हो जाएगा। देखिए शतुद्री में भी वर्ड कोरिलेशन पहले से आपको दिख रहा होगा, शतुद्री यानी सतलज। ठीक है, शतुद्री का क्या हो जाएगा, सतलज हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए, आगे क्या है, आगे है बिपाशा, तो बिपाशा का क्या हो जाएगा, ब्यास। ठीक है, ये भी आपको वर्ड कोरिलेशन इसमें दिख रहा होगा, बिपाशा ब्यास। चलिए बिपाशा तक हो गया था दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे है दोस्तों सेवन तक हो गया था, सेवन हो गया, आगे देखिए एट नंबर, तो एट नंबर में क्या कह रहा है, सदा नीरा, तो सदा नीरा का क्या हो जाएगा, गंडक। ठीक है, सदा नीरा का गंडक, तो ये भी बहुत बार पूछा हुआ दोस्तों, इसे भी आप याद रखिएगा, सदा नीरा क्या हो जाएगा, गंडक हो जाएगा सदा नीरा का। ठीक है, तो सदा नीरा हो जाएगा प्राचीन नाम, और गंडक उसका क्या है, आधुनिक नाम है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए, देखिए आगे, आगे है दृश्यद्वति, दृश्यद्वति, तो दृश्यद्वति का क्या हो जाएगा, घग्घर दोस्तों। ठीक है, दृश्यद्वति का क्या हो जाएगा, घग्घर। देखिए दोस्तों, ये वर्ड ही अपने आप में कोरिलेट है। ठीक है, दृश्यद्वति में आप ध्यान दीजिएगा, ध्वति, ठीक है, कुछ इस तरीका से ऐसे, और घग्घर में भी देखिए घ, ठीक है, दृश्यद्वति का क्या हो जाएगा,
घग्घर, ठीक है। तो दृश ध्वति का क्या हो जाएगा, घग्घर आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे क्या है, गोमती, ठीक है। तो इसका भी ट्रिक बताने की कोई ज़रूरत नहीं, गोमती का गोमल, गोमती का क्या हो जाएगा, गोमल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, आगे क्या है, आगे है सुवस्तु, तो सुवस्तु का स्वात, सुवस्तु का क्या हो जाएगा, स्वात हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको वर्ड को रिलेशन इसमें दिख ही रहा होगा, सुवस्तु का क्या हो जाएगा, स्वात, ठीक है। तो दोस्तों यही था ऋग वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें दोस्तों। और आगे 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 आपको किस चीज़ पर टॉपिक है, ठीक है दोस्तों, आज हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।